आज का ट्यूटोरियल है बिगिनर्स के लिए, बट हाँ इसको फनफुली मैंने क्रिएट किया हुआ है गाइस, सो मजा आएगा आपको। और एक स्मूथनेस जनरेट करना है इस मग एनिमेशन के अंदर, और ह्यूमर ऐड किया है जो आज की डेट में हर सिंगल स्क्रोल के ऊपर सोशल मीडिया पे AI प्लगइन्स टेम्पलेट, इट साउंड्स मी लाइक कांदा ले लो बटाटा ले लो लाइक दैट वन और सब्जी मार्केट। सो जस्ट वी आर एडिंग दैट रेपर ऑन टू द कॉफी मग समथिंग लाइक दैट। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो यहाँ पे मेरी जैसे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, मेरा यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा मेरा जो तामझाम है, मेरे लेयर्स हैं यहाँ पे रेडी है। सो अब काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहला काम जो मुझे करना है कि मेरे मग को प्लस मेरे बाकी के जो चीजें हैं उसको एनिमेट करना है। बट उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको निकाल देते हैं, सारी चीजें यहाँ पे रिवील हो गई। तो सबसे पहला जो मुझे एनिमेट करना है वो है मेरा मग वाला लेयर। तो यहाँ पे मैंने इसको नाम दिया हुआ है मेरा मेन जो बॉडी है उसको। यहाँ पे इसका पोजीशन ओपन करते हैं, सबसे पहले होम पे चले आते हैं, यहाँ पे इसको की दे देंगे हम लोग। यहाँ से चला जाता हूँ मैं ऑलमोस्ट 30 फ्रेम्स की जगह पे 25 फ्रेम्स, सो हम आ चुके हैं। यहाँ पे भी मैं की दे दूंगा और यहाँ से मैं फिर से चला जाता हूँ ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 15 फ्रेम्स आगे। अब यहाँ पे भी क्या कर देना, की दे देना है। अब चले आते हैं 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर और इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नीचे की तरफ धकेल देता हूँ। जो मेरा ये वाला लेयर है उससे बाहर मैंने ले लिया है ऑलमोस्ट कुछ इस जगह पे। अब यहाँ पे लेके आएंगे तो ये ऊपर की तरफ आ रहा है, बट लेट इस टेक इट लिटिल बिट अप। उसको क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ ऊपर की तरफ लेके आते हैं समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पे वापस वो अपनी जगह पे सेटल होगा। तो ये यहाँ पे हो चुका है। अब करना क्या है भाई, इतना तो हो गया तो इनको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करेंगे कि इसको F9 प्रेस करके इजीज में कन्वर्ट करेंगे। चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। यहाँ पे मैं वैल्यू एडिट ग्राफ में जगह पे स्पीड ग्राफ में चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं ग्राफ को कुछ इस हिसाब से कन्वर्ट कर देता हूँ, सो समथिंग लाइक दिस। एंड नाउ अगर आप एनिमेशन प्ले करते हो तो आपके लिए कुछ ऐसा एनिमेशन जनरेट होगा। तो ये जाएगा थोड़ी देर जैसे स्टेडी रहता है एंड देन कम डाउन। अब इसको थोड़ा बेटर करना है तो लेट्स कन्वर्ट दिस की समथिंग लाइक दिस वन इनटू द रॉ की। बट ये अजीब सा थोड़ा बिहेव करने लगा है तो उतना मजा हमें नहीं आ रहा। लेट्स मेक इट अ सोलो लेयर सो यू कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। ओके सो लेट्स मेक इट अंडू। ओके अगेन आई एम गोइंग टू मेक द लेयर्स ऑन सोलो, तो आपको समझ में आए। अब यहाँ पे इसको प्ले करते हैं तो इट्स गोइंग रियली वेरी स्लोली राइट। सो कई लोग मुझे पूछते हैं कि आप वैल्यू ग्राफ क्यों यूज करते हो, तो ये एक अच्छा खासा कंट्रोल देता है मुझे कहाँ पे चीज को स्टेडी करना कहाँ पे नहीं। तो नाउ लेट्स कन्वर्ट दिस कीज इनटू द लीनियर कीज। तो आप लोग भी अगर इसको यूज करोगे तो बहुत मजा आएगा। फिर से सारी कीज को इजीज में कन्वर्ट कर दिए। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको सेपरेट डायमेंशन, क्योंकि हमारा एनिमेशन हो रहा है खाली और खाली वाई एक्सिस के अंदर, तो एक्स एक्सिस कीज मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। अब इन कीज को सिलेक्ट करते हैं, ग्राफ एडिटर में चलते हैं, वापस यहाँ पे चूज कर लेंगे वैल्यू एडिट ग्राफ। अब यहाँ पे खाली मेरा वाई है तो मैं वाई को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सारी की इसको फिर से सिलेक्ट करके एक बार F9 प्रेस कर दो ताकि ग्राफ जैसा होना चाहिए वैसा दिखे। अब ये सेंटर वाली की इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इसको मैं कुछ हिसाब से ड्रैग कर देता हूँ, तो क्या होगा कि एकदम स्पीड में ये जंप करेगा। यहाँ पे थोड़ा पॉज लेकर जैसे अटकता है ना वैसे, कि भाई उसका जो स्पीड ऑफ फोर्स था वो खत्म हो गया, अब वो धीरे से नीचे आना शुरू कर देता है। एक एक्शन, एक टाइम ऑफ पीरियड ऐसा आता है कि जैसे दोनों का लेवल सेम हो जाता है और ऑब्जेक्ट हवा में अटक जाता है, फिर एकदम से डाउनफॉल स्टार्ट होता है उसका। तो सेम काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे मुझे जनरेट करना है और एट दी एंड वो धड़ाम करके नीचे गिरना चाहिए, इसलिए ग्राफ को इस हिसाब से हम लोग एडिट कर देते हैं। सो नाउ इफ यू कैन प्ले दिस सो इट विल गिव मी अ ब्यूटीफुल, नाउ यू सी दैट। तो ये एक अच्छा लुक मुझे मिला, तो वैल्यू एडिट ग्राफ का एक बेनिफिट है, आप मैनिपुलेट कर सकते हो बेटर तरीके से राइट। सो इतना हमारा ये काम हो चुका है। अब मुझे करना है कि ये एनिमेट होने के बाद जैसे ही यहाँ पे नीचे ठपाक करके गिरता है उसी के टाइम पे मुझे क्या चाहिए कि उसका टॉप और बॉटम जो उसके ढक्कन है राइट, सो वो मुझे क्या करना है यहाँ पे रिवील करने हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो हम करेंगे क्या भाई, इसको यहाँ पे इन दोनों को मैं सबसे पहले पेरेंट कर देता हूँ मेरे मेन मग की बॉडी के साथ बराबर। तो ये एग्जैक्टली यहीं पे, तो अब क्या होगा ये नीचे जाएगा तो ये भी उसके साथ नीचे चले जाएंगे, बट हमें इनकी पोजीशन भी क्या करनी, इंडिविजुअली एनिमेट करनी। तो इन दोनों को भी सिलेक्ट करके मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे सेपरेट डायमेंशन मैंने कर दिया है। अब सेपरेट डायमेंशन में मैं क्या करूंगा, वापस से वाई में मेरे को यहाँ पे की दे देना है। साथ में मुझे क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और इसका रोटेशन प्रॉपर्टी भी ऑन करना, इसको भी मैंने क्या कर देना है, की दे देना है राइट। अब इन दोनों का रोटेशन जो है मैं अप्लाई कर देता हूँ -90 डिग्री के आसपास, मतलब ये वर्टिकली चेंज हो जाएंगे कुछ इस हिसाब से। दोनों का हो चुका है। अब जैसे ये यहाँ पे आते हैं सो लेट्स टेक इट लिटिल बिट अप, तो दोनों का जो पोजिशन हम क्या करेंगे, थोड़ा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे कुछ इस हिसाब से स्टार्टिंग में यहाँ पे, तो थोड़ा इसको नीचे लेके आते हैं। यस टेक इट लिटिल बिट अप, तो यहाँ पे थोड़ा इसको ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ। एट दी एंड वापस यहाँ पे जब आएंगे तो उनका जो स्टार्टिंग का पोजीशन है वही मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगा, प्लस इसका रोटेशन दोनों का हमें क्या कर देना है, यहाँ पे वैल्यू 0।
सो डन, अभी तक का सब कुछ सही जा रहा है, बट यहाँ पे देखो अभी दोनों सेटल नहीं हुए भाई। हमारा जो पोजीशन का चीज था तो क्या करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा दोनों को। यहाँ पे तो दोनों हो चुका है कॉपी पेस्ट, सो नाउ यू कैन सी दैट यस दोनों प्रॉपर जगह पे सेटल हो चुके हैं। अब एक छोटी सी चीज कि भाई स्टार्टिंग में ये दोनों क्या है, विजिबिलिटी के अंदर है, तो फिर से क्या करो इन दोनों को पकड़ लो और इनका पोजिशन क्या करो, मक के पीछे धकेल लो दोनों को। तो हमने क्या कर दिया, मक के पीछे रहेंगे स्टार्टिंग में ये दोनों। अब जैसे ये ऊपर आएंगे तो बट क्या हो रहा है, दोनों साथ में आ रहे हैं, पर हमें क्या चाहिए, जैसे ये मग यहाँ पे टच करने वाला है उस टाइम पे निकालना था। अब इनको क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इनकी कीज को हम यहाँ पे एग्जैक्टली ऑफसेट कर देंगे कुछ इस हिसाब से। अब दोनों की पोजीशन कीज को सबसे पहले हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, F9 प्रेस करेंगे। अब चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, और जैसे हमने मग के पोजिशन का ग्राफ को एडिट किया वैसे ही ग्राफ क्या करना है, हमें यहाँ पे एडिट करना है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कुछ इस हिसाब से ड्रैग करेंगे और इस वाले को क्या करेंगे, यहां से नीचे की तरफ कुछ ऐसा ड्रैग कर लेंगे हम लोग। सो नाउ इट्स डन। सेम चीज हम इसका जो कीज है उसको इजी इजी करेंगे, F9 प्रेस करके लीनियर कीज को इजी इसमें कन्वर्ट कर दो और कुछ नहीं करना है। इसके ग्राफ को हम एडिट नहीं करने वाले, जस्ट हमने इजी इसके साथ छोड़ दिया। सो नाउ इफ यू प्ले दिस एनिमेशन, ओके सो यू कैन सी दैट। अब एक छोटा सा चीज आप देख रहे हो, स्टार्टिंग में नीचे जैसे अजीब सा दिख रहा है ना, बट वी हैव द सॉल्यूशन। हम करेंगे क्या भाई, यहाँ पे आ जाएंगे, एक और दो वापस से पोजीशन चेंज करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को क्या कर दो यहाँ से ट्रिम कर दो। रीजन इज दैट जब ये टकराने वाला है तभी ये बाहर निकलने वाला है, तो आगे वैसे भी उस लेयर की जरूरत नहीं है। सो इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि जहां पे वो लेयर विजिबिलिटी में ही नहीं रहते वहां से उसको ट्रिम कर दो, तो आफ्टर के लिए काम आसान हो जाएगा। दूसरा चीज, अब दोनों साथ में दिख रहे, थोड़ा क्या करना है उसके अंदर चेंजेस लाना है। तो जो मेरा बॉटम वाला है उसको, सॉरी टॉप वाला जो है उसको मैं क्या करूंगा, थोड़ा एक दो फ्रेम पीछे धकेल लेता हूं मैं उसको यहाँ पे। सो नाउ यू कैन सी दैट कि एक अच्छा खासा क्या मिलेगा हमको, वेरिएशन देखने को मिलेगा, एंड इट्स लुक मेकिंग इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल। सो एनिमेशन को एक बेटर लुक देता है वो, रादर देन जस्ट मेकिंग द सेम टाइमिंग। थोड़ा सा हमने क्या किया, दोनों का एनिमेशन ऑफसेट कर दिया, बॉटम वाले ढक्कन और ऊपर वाले ढक्कन का, तो ये एक बेटर तरीके से जनरेट हो चुका है। लास्टली जो मेन चीज आता है अभी हमारा, तो भाई हमारा आता है स्ट्रो, ठीक है। तो अब स्ट्रो को भी रिवील करते, तो हियर इट इज अवर स्ट्रो, इसको भी हमें एनिमेट करना है। सो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डू दैट, बट मैं उसको कब स्टार्ट करूंगा, जब मेरा बॉटम वाला ढक्कन यहाँ पे नीचे सेट हो चुका है, उससे एक और दो की फ्रेम में ऑलमोस्ट आगे चला जाता हूँ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा स्ट्रो का पोजीशन ओपन करेंगे और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको राइट क्लिक करके सेपरेट डायमेंशन। अब पोजीशन को की देने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से वायर करके एंकर पॉइंट चूज करते हैं और इसका एंकर पॉइंट में मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ सेंटर में सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले वाई का पोजीशन सिलेक्ट करना है, साथ में अभी स्केल प्रॉपर्टी भी ओपन कर दे, उसका स्केल भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ से आगे चले जाते हैं, ऑलमोस्ट 20 फ्रेम की जगह पे हम 15 फ्रेम आएंगे आगे, तो 15 फ्रेम्स आ चुके हैं। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इनको भी की दे दूंगा, यहाँ से 10 फ्रेम और आगे जाऊंगा, इधर भी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे की दे दूंगा। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारा क्या बोलते हैं पोजीशन का वैल्यू है, तो ये ऑब्वियसली इसके अंदर होना चाहिए, तो डेफिनेटली इसके अंदर चला जाएगा। प्लस इसका वाई एक्सिस में स्केल जो है मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ 35, राइट। अब जब सेंटर में आएगा तो हम क्या करेंगे, इसका पोजीशन वैल्यू चेंज करेंगे, ऊपर की तरफ पूरा बाहर निकालेंगे यहाँ पे, और ये बीच में जो स्केल का वैल्यू इसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ओके डन। तो इतना हमारा हो चुका है। एट द एंड क्या होगा भाई, इसका पोजीशन वापस जहां पे वहीं पे सेट होगा। अब इसको सिलेक्ट कर लो, F9 प्रेस कर दो। सेम अगेन पोजीशन की कीज को क्या करेंगे हम, फिर से एज इट इज जैसे हमने बाकी ग्राफ के लिए किया वैसे क्या करेंगे हम, इसको यहाँ पे एडिट कर देंगे कुछ इस हिसाब से। इट्स डन। और स्केल को क्या कर देंगे, सिंपली हमें दे देना है F9, ज्यादा उसके साथ कोई छेड़खानी हमें नहीं करनी है। तो चले आते ग्राफ एडिट से बाहर। तो यहां तक का एनिमेशन देखो, सो इट्स रियली रियली गोइंग वेरी स्मूथ। यू कैन सी दैट बहुत ही आराम से, बहुत ही स्मूथली, और मोशन ऐसा है इट्स नॉट गोइंग लाइक दैट के भाई धड़ाम करके चलने लगा है, ठीक है। हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप की एक चीज दूसरी चीज को एंटिसिपेट कर रही है एनिमेट होने के लिए, और बहुत ही स्मूथली और टाइमिंग के साथ हो रहा है, कोई भी गैप नहीं है। सो जो हमारे एनिमेशन को और भी अट्रैक्टिव बनाता है। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी है। यहाँ पे एक छोटा सा एरर, ये स्टार्टिंग में दिख रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे मेरा ये कॉफी मग दिख रहा है, साथ में स्ट्रो जो है वो दिख रहा है, तो स्ट्रो को अवॉइड करना। सेम चीज करेंगे, एक और दो को फ्रेम आगे चले आएंगे और स्ट्रो वाले लेयर को क्या करेंगे, यहाँ से हपाट ट्रिम आउट, बात खत्म हो गई, बराबर है। तो हमारा भाई यहां तक का काम तो बहुत ही सुंदर तरीके से हो चुका है। सो हमारे ऑलमोस्ट एलिमेंट रेडी हो चुके हैं। अब भाई कांदा ले लो की बारी आती है, लाइक AI ले लो, प्लगइन ले लो, है कि नहीं, टेम्पलेट ले लो, कोर्स ले लो, कुछ नहीं, बेसिक सीखो, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। चलो एडिट करते हैं उसको। तो यहाँ पे वापस चले आते हैं सबसे पहले, एंड लेट मी रिवील दैट माई इमेज।
तो भाई ये इमेज मेरा यहाँ पे रेडी है, ठीक है, मैंने उसका पीएनजी एक्सपोर्ट करके रखा हुआ था मेरा थोड़ा काम आसान करने के लिए। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट करके रखा हुआ है। अब क्या करना है, पहली चीज तो ये इतने एरिया में ही दिखना चाहिए हमें, राइट। सो अब सिंपल सी चीज ये है कि उसके साथ मेरा यहाँ पे एक और चीज था जो है उसका रैपर का चीज। तो अब रैपर के लिए क्या चाहिए, रैपर भी कहाँ पे एनिमेट होना चाहिए, किसके साथ, मेरा जो मेन बॉडी उसके साथ एनिमेट होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको हम क्या कर देंगे, पेरेंट कर देंगे हमारे मेन ग्लास के साथ। तो अब क्या होगा भाई, ये भी यहाँ पे उसके साथ एनिमेट होते हुए दिखेगा। सो यू कैन सी दैट, यस, इट्स गोइंग समथिंग लाइक दैट। सो बहुत सुपर तरीके से जा रहा है, टेंशन कोई नहीं भाई, इतना तो हो चुका है। बट हमें क्या करना है कि भाई हमें ग्लास को रोटेट होते हुए दिखाना है। सो अगेन वी आर गोइंग टू क्रिएट द इल्यूजन विद दिस एनिमेशन। तो भाई सिंपल तरीका करने वाले, ज्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इतना मतलब हवा में जाना, इतना सोचना, बहुत सिंपल वे जिसे हर कोई बिगिनर यूज कर सकता है आराम से। सेकेंडरी थिंग, इफ यू वॉन्ट टू बाय दिस फॉर प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस के लिए अगर आपको ये फाइल चाहिए, मुझे इंस्टाग्राम पे मेरा डीएम कर देना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। फ्री में कुछ नहीं देता हूं भाई, ठीक है, ओनली 20 रुपीज। सिंपल सी बात है, क्यों, क्योंकि ये कांदा ले लो वाला सिस्टम अपना नहीं है भाई। मैंने ट्यूटोरियल बहुत स्लोली, बहुत इजीली एंड बहुत अच्छे से समझाया, तो आप खुद बना सकते हो। फिर भी जब आप डिमांड करने आते हो ना, तो थोड़ा बुरा लगता है कि इतना अच्छा समझाने के बाद भी लोगों को क्या चाहिए, प्रोजेक्ट फाइल, तो फ्री में तो नहीं मिलेगा, बराबर है। तो बेचने नहीं आए हो, चाहिए तो की बात है, बाकी तो ट्यूटोरियल इतने अच्छे से समझाया, खुद से बेसिक डिजाइन क्रिएट करके आराम से एनिमेट कर सकते हो गाइस। ओके, सो नाउ लेट्स गो अहेड। तो भाई यहां तक हो चुका है, मैं इसको एक बार सेव मार लेता हूं। ओके, और थोड़ा क्या हो गया, मेरा कैश जनरेट हो गया, तो उसको भी क्या कर देंगे, यहां से रिमूव करते हैं। तो थोड़ा क्या है, स्लो चले, टेंशन ना दे मेरे पीसी को। सो इतना हमारा यहां तक हो चुका है भाई। ओके, अब मुझे करना क्या है भाई, इतना हो गया, इसको रोटेशन में लेके आना है। तो पहला काम तो क्या करना है मुझे, इसका पोजीशन, तो पोजीशन इसका क्या होगा, जब ये यहाँ पे सेटल हो रहा है, मेरा कब मग सेट हो रहा है, ऑलमोस्ट इस जगह पे मेरा मग क्या हो रहा है, मेन बॉडी सेट हो रहा है, तो भाई इसका पोजीशन भी उस हिसाब से एनिमेट होना चाहिए। तो इसका पोजीशन मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे इसको मैंने की दे देना है। चला आता हूँ 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर, यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगा, इसको की दे दूंगा गाइस। तो अब करेंगे क्या भाई, इसको सिलेक्ट करना नहीं, मैं इसको एज इट इज छोड़ने वाला हूँ, इसमें मैं कोई भी स्पीड या कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। और मैं क्या करूंगा, इसको मूव करूंगा अंटिल मेरा लास्ट वर्ड इसके अंदर दिखने ना लगे, विच इज अबाउट। तो आप पूरा देख लो, स्टार्ट से पढ़ना, अगर पहले से एआई ले लो, प्लगइन ले लो, टेम्पलेट ले लो, कोर्स ले लो, साउंड्स लाइक कांदा ले लो, बराबर। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है अभी, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझे हेट करेंगे, बहुत सारी गालियां मिलेगी शायद कमेंट्स में और सोशल मीडिया पे, आई डोंट केयर बॉस, मुझे तो यही साउंड होता है, हर दूसरा तीसरा यही फालतू बकवास चल रही है। जब बेसिक का ज्ञान नहीं, और सीधा मतलब तुम 2 सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते अपने फ्लैट की, और बोलते हैं चलो तुमको हिमालय चढ़ाते हैं, ठीक है ना, दैट इज लाइक कांदा ले लो। ओके, सो नाउ लेट्स गो अहेड। तो ये भाई हो चुका था, अब अगर इसको एनिमेट करो तो ये कंटिन्यू चलता जा रहा है, बट इसको भी क्या होना चाहिए, मोशन मेरे मग के बॉडी के साथ इसका मोशन होना चाहिए भाई, राइट। सो मैं एक्ट्रेस यहाँ पे एंड पे चलाता हूँ अभी के लिए, और क्या करेंगे भाई, इसको भी हम पेरेंट कर देंगे हमारी मेन बॉडी के साथ यहाँ पे। तो ये भी क्या हो चुका है, यहाँ पे पेरेंट हो चुका है। सो नाउ यू कैन सी दैट कि अब अगर इसको प्ले करते हो तो यस इज गोइंग विद दैट ओनली, ठीक है। बट अभी भी सिचुएशन क्या है, हमारा दिक्कत क्या है, हमारा इश्यू वही है ना भाई, कि भाई अभी भी ये क्या हो रहा है, पंगा तो हमारा वही का वही है, ठीक है ना, अटका हुआ है। सो लेट्स डू वन थिंग, बराबर यहाँ पे ये जा रहा है आराम से, और इसका पोजीशन के साथ इसका मोशन भी हो रहा है। आप चाहो तो इसको F9 भी दे सकते हो, दैट्स अप टू यू गाइस। नाउ व्हाट आई नीड, कि जो मेरा मेन रैपर वाला जो ऑप्शन है, उसको मैं लेयर को डुप्लीकेट कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको यहाँ पे ऊपर ले लेता हूँ, और मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा एज अ अल्फामेट मेरे टेक्स्ट इमेज के ऊपर। सो अब अगर इसको प्ले करते हैं तो यस यू कैन सी दैट बहुत ही ब्यूटीफुली क्या हो रहा है, जैसे मेरा मग यहाँ पे रोटेट होते हुए जा रहा है, एट द एंड जब सेटल होता है तो थोड़ा इसको क्या करेंगे, ट्विक करेंगे एक अच्छा फीलिंग देने के लिए। मैं इसको हल्का सा क्या करूंगा, पीछे ले लूंगा, ताकि जैसे ही मग बैठता है तुरंत ये सेटल ना हो, मग के बैठने के बाद ये सेटल हो। सो इट्स गिव्स मी अ, बहुत ध्यान से देखोगे तब समझ में आएगा, क्योंकि हमने एक फ्रेम में पढ़ी, बहुत ही सुंदर लगता है इफेक्ट। नाउ इतना तो हो गया भाई हमारा, बट अब स्टार्टिंग में क्या चाहिए, मेरे को मग दिखना नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, इस टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं अपने को कोई, ठीक है ना। तब करना क्या है, बहुत सिंपल सा तरीका है भाई, इन सारी चीजों को क्या करेंगे हम, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, प्रीकॉम कर देते हैं इसको यहाँ पे, डन, प्रीकॉम्प हो चुका है हमारा। अब यहाँ पे जहां पे हमारा फाइनल एनिमेशन खत्म होता है, हम क्या कर देंगे भाई, इस लेयर को सिलेक्टेड रखना है आपको, और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसको पकड़ेंगे, लेट्स मेक इट समथिंग लाइक दिस, थोड़ा जूम करते हैं इस कंपोजिशन को, क्या कर दूंगा मैं क्लोज पैनल,
मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो आपने ना मैं मैट बना रहा हूँ, सिंपल सा तरीका कंपोजिशन बनाया है, मतलब हमने एक ग्रुप बना दिया लेयर का और मैंने यहाँ पे मास्क बना दिया है। मूव टूल लेते हैं, इसको क्या करें, ऊपर के दो पॉइंट को थोड़ा मैं नीचे मत की तरफ लेके आ जाता हूँ। ओके डन, सो ये यहाँ पे हो चुका है। अब अगर मैं एनिमेट करूंगा तो स्टार्टिंग में आपको मास्क को क्या कर देना है, आपको इन्वर्ट कर देना है, दैट्स ऑल। तो अब जैसे ये ऊपर आएगा, यू कैन सी दैट इट्स कंप्लीटली ऑसम, जैसा हमें चाहिए वैसा ही क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे काम हो रहा है। सेकेंड थिंग, हमारा नीचे का बेस हम यहाँ पे रिवील कर देते हैं। तो ये गाइस हमारा एनिमेशन रेडी हो चुका है, दैट इज द कॉफी मग एनिमेशन। कांदा ले लो, चाहे प्लगइन खरीदो, चाहे एआई खरीदो, चाहे कुछ भी खरीदो, अगर बेसिक नहीं जानते, टाइमिंग प्रॉपर तरीके एडजस्ट करना नहीं आता है और मोशंस को नहीं समझते हो तो कुछ भी काम नहीं आएगा भाई। जैसे मैंने बोल दिया ना, दो सीढ़ीज नहीं चढ़ सकते, लिफ्ट यूज करते हो तो फिर बात तो खत्म ही, आप हिमालय कहां से चढ़ोगे, और आगे जाके सर्वाइव करना आपके लिए मुश्किल ही होगा। अभी भी हो ही रहा है, मुझे पता है, मुझे पता है, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, सो आई एम सक्सेसफुल जस्ट बिकॉज ऑफ माय बेसिक्स, एंड मेरे बेसिक्स ने मुझे सक्सेस दिलाया है, एंड आई एम डूइंग गुड जॉब। सो आई होप आपको पसंद आया, तो कमेंट में जरूर मेंशन करना, शेयर योर थॉट्स विद मी, ताकि हम सब अच्छे से आपको एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर कर पाए, मुझे भी समझ में आए आप लोग क्या क्या सीख सकते हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।